सो दोस्तों, मैं यहाँ पे जूस की एक दुकान है, इधर आया हूँ और मैंने सामने को क्या ऑर्डर किया, गन्ने का जूस, गन्ने का रस। अगर सामने जूस की दुकान है, मैंने बोला लेमू भी डालो, थोड़ा सा नमक भी डालो, क्योंकि ये मसरी इजिप्शियन गन्ना होता है जो कि बहुत मीठा होता है। सो दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैंने गन्ने का जूस लिया हुआ है। बाकी ये शराय शामिल का इलाका है और मैं अपने घर से थोड़ा दूर किसी से मिलने आया हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, वो अभी आ रहा है। आज मैंने जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं इतना बुरी तरह सो गया था सुबह के, बस मैं ऐसे ही बस सारे घोड़े बेच के सो गया था। बाकी तो मेरा मन था कि मैं आज हरम जाके व्लॉग भी बना लेता और नमाज भी पढ़ लेता हरम में। यूजुअली मैं जाता हूँ हरम ज़रूर, जुम्मे के दिन में ज़रूर हरम जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज बड़ी कोताही हुई है यार, उसको रिव्यू देता था। मैं बनाता है जद्दा में, वो बहुत मज़े का बनता है, ये बहुत मीठा है, हद से ज़्यादा मीठा है ये। बहुत प्यारा होटल है। अब मैं थोड़ा दोपहर को लेट उठ गया था तो खाना नहीं खाया था, तो खाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सारे होटल पे, जिसकी कबाब बहुत मशहूर है, पूरे शराय में बहुत मशहूर है इस होटल का कबाब। तो अभी मैं इधर ही हूँ, अभी देखो साथ में सब्ज चाय है और ये अफगानी स्वीट डिज़र्ट है और ये साथ में चटनी आ दिया हुआ। तो मैंने कबाब गोश्त का टिक्का बूटी, गोश्त की टिक्का बूटी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी आने वाली है, फ्रेश बनाते हैं, बहुत मज़े की होती है। सो हमारा खाना आ चुका है, यह है मटन कबाब, साथ में बुखारी चावल और मैंने सेवन डाइट मंगाया है। तो चलो बिस्मिल्लाह करके मैं आज का दोपहर का लंच करता हूँ, मिलता हूँ। तो हमारा खाना हो गया डन, मज़ा आ गया खा के। सो शाम के 5 बजे मैं अपने बेड बॉय का इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्यूटी भी जाना है। यार बुखारी होटल है, पूरे शराय में सबसे मशहूर है, इसके गोश्त वाली बूटी पूरी शराय में मशहूर है, कबाब जिसको अरबी में शीश ताऊ कहते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली ड्यूटी के लिए निकल चुका हूँ, ये देखो सामने चार नंबर का इशारा है। बांग्लादेश का मैच चल रहा है, तो मैंने उनको बड़ा तंग किया, तो मैंने बोला कि यार बांग्लादेश तो किसी काम का नहीं है, लेकिन इंडिया जीत जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं इंडिया वाले जो है ना आईसीसी को पैसे खिलाते, इसलिए इंडिया जीत जाएंगे। फाइनली दोस्तों, आपका भाई पहुंच गया है वाटर प्लांट या तहलिया, जिधर से मुझे पानी भरना है। देखो सामने बिल्कुल ये सामने उसका गेट है और हम लोग पहुंच गए हैं। इससे पहले हम लोग टोपी और ये वेस्टकोट डालते हैं, क्योंकि अंदर इसके बगैर जाना अलाउड नहीं है। तो एक दफ़ा पहले भी इनके साथ में 2 दिन पहले इसको ना पहनने की वजह से मेरा इनके साथ तू मैं हुआ है, तो इससे पहले कि वो फिर मेरे लड़ाई हो जाए तो मैं इसको डाल लेता हूँ। आपका भाई आपका उतार में आ चुका, मैंने उसको इशारा किया, यह भी उधर क्यों घूम रहा था, उधर सड़कों पे घूम रहा था, मैंने उससे पूछने वाला कि वो उधर लड़कियाँ खड़ी थी, तो ये जो सिक्योरिटी वाला है अम हुसैन नाम है उसका, उसको पूछ दे कि उधर लड़कियाँ खड़ी थी। मैंने सोचा कि तुम भी लड़कियों के पीछे भाग रहे, तो वो हंसने लगा। यहाँ से पेपर निकल गई 117 रियाल की, यहाँ से हम पेपर लेंगे और सामने जाएंगे गाड़ी भरेंगे, उधर में जाके गाड़ी लोड करेंगे और निकलेंगे सीधा अपने कस्टमर के पास। सो फाइनली आपका भाई गाड़ी लोड करके निकलने वाले, हम लोग निकलने वाले तहलिया से। ये देखो सामने और भी गाड़ी लगी है, जुम्मा के दिन बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। सो
फाइनली दोस्तों आपका भाई यहाँ से निकलने वाला है। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है, अभी इसको पेपर लगे देगा, इसके बाद फिर मैं लाइन में लग जाऊँगा तो हमें पेपर मिल जाएगा। अगर उसमें जबून होगा या एप्लीकेशन ने किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा तो हमारे को दो इनवाइस मिलेंगे, एक में उसकी कस्टमर की डिटेल, फ़ोन नंबर, कहाँ पर चाहिए, उस जगह का रेट वो लिखा होगा, अगर नहीं तो वो सादा देगा, फिर हम अपने कस्टमर के पास जाएंगे। अगर कोई जबून मोबाइल नहीं उठा रहा है कस्टमर या कुछ और मसला कर रहा है तो यहाँ पर इसको कैंसिल किया जाता है, इसमें इधर कैंसिल कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जबून मिल चुका है, पता नहीं किस जगह का है, लेकिन हमें मुझे दो इनवाइस मिल चुके हैं। ज़रा देखते हैं कहाँ का है। तो हाँ यमामा, ये शराय अल मुजाहिदीन एक इलाका है, उधर का है। तो चलो मैं जबून को फ़ोन लगाता हूँ, कस्टमर को फ़ोन लगाता हूँ। बाकी है इसकी एग्जिट डोर है, यहाँ से एग्जिट होते हैं तहलिया से, जिधर से हम लोग पानी भरते हैं। फाइनली वो कस्टमर जो हमें मिला था इधर से, तो उससे मैंने बात की, तो उसका ख़जान थोड़ा सा दूर था, तो उसको 27 मीटर लाइन चाहिए था और 27 मीटर लंबी लाइन पाइप मेरे पास नहीं है उधर डालने का, तो मैं उधर गया, मैंने उसको कैंसिल किया। तो हम अभी अपनी तरफ मस्त अपने जबून की तरफ चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं अपने जबून के घर पे पहुंच चुका हूँ, जबून मीन्स कस्टमर के घर पे पहुंच चुका हूँ, और मैंने गाड़ी लगाई है। मेरे ख्याल से गाड़ी अभी खाली होने वाली है क्योंकि मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया था, तो अभी गाड़ी खाली होनी है। चलो चलते हैं, गाड़ी का सिचुएशन देखते हैं, देखता हूँ गाड़ी का सिचुएशन, देखता हूँ कि कैसा है। बाकी इस जगह का नाम है शराया, सेक्टर नंबर 15, शराया मुखत्तत 15। सो देखता हूँ, मेरे ख्याल से शायद ख़त्म है पानी। ये उसका घर है, बहुत प्यारा और स्वीट इंसान है, मेरे ख्याल से पानी ख़त्म हो गई है। तो चलो अभी मैं रखता हूँ, और मैं रखता हूँ ये पाइप गाड़ी में, और यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं रेहान भाई के पास, वो कैपेचिनो वाले के, जिसका एक दो व्लॉग पहले मैंने कहानी सुनाई है, तो उनके यहाँ चलते हैं, एक अच्छा सा कैपेचिनो उनसे लेना है। फाइनली हम रेहान भाई के पास पहुंच गए कैपेचिनो लेने के लिए। मैं तो रेहान के लिए पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन रेहान है ही नहीं, बोल रहे रेहान की छुट्टी हो गई है, उसकी ड्यूटी सुबह के टाइम है। अभी रात को एक नया बंदा इन लोगों ने रखा हुआ है, पता नहीं इनको काम आता है नहीं आता है। तो चलो देखते हैं इसके हाथ का टेस्ट कैसा है, बिकॉज पाकिस्तान एक छोटी सिटी है और इंडिया को आराम से उम्मीद जीतना चाहिए, और ये वर्ल्ड कप भी इंडिया का है। सो आई एम अ ह्यूज लवर, ह्यूज फैन ऑफ इंडिया, so I hope India win the World Cup in match also. ये बर्मा भी है, ये रेहान से भी ज्यादा स्वीट है। रेहान सदीक हागी, रेहान मर्रा सदीक हागी, तदरले सदीक हागी, قبل كم يوم انا اجي هنا وقف قول والله شيء ما في كل شيء موجود هو فكر يمكن انا ما عندي فلوس هو انا بس كده بالغلط يجي عنده هنا هو كلام بالغلط يمكن انا يجي عنده ريحان طيب مره صديق حقي طيب جيب موي بالله ये उससे भी स्वीट बंदा है वो रेहान वाली कहानी मैंने इनको भी बता दी कि रेहान ने मुझे ऐसे बताया था इंदनोशी था। चलो हमने कैपेचिनो ले लिया, कैपेचिनो यहाँ से ले ली, और यहाँ से निकलते हैं जाके गाड़ी भरते हैं। तो मैं अभी इस कच्चे रास्ते पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आगे मक्के का इंडस्ट्रियल एरिया, जिधर पे गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं या गैराज है, तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी होटल है मतम ताज सियालकोट, जिसकी कढ़ाई बहुत फेमस है और बहुत रश होता है उस होटल पे, अक्सर सऊदी लोग भी बहुत आते हैं।
तो उनमें एक बंदा है, बहुत लड़का है मेरा दोस्त है उसका, तो हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर खाना खाने के लिए चलता हूँ और उसको भी तंग करता हूँ, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया हुआ है और तकरीबन अभी 12 बजे होने वाले हैं। तो फिंगर क्रॉस चलो उधर चलते हैं और उसको थोड़ा तंग भी करते हैं। पर्सनली इंशाल्लाह इंडिया शुड विन दिस मैच। आई एम फुली सपोर्टेड इंडिया, आई लव इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली नेशन हु सपोर्ट अफगानिस्तान इन एवरी डिफिकल्ट टाइम। सो मैं तो इंडिया के साथ हूँ और रोहित शर्मा 11 को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और तगड़ी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं है और इतना बड़ा टीम है भी नहीं, सिर्फ शाहीन है और उसको 3-4 ओवर में टैकल करने के बाद इंडिया आराम से मैच जीत सकता है और बड़े मार्जिन से जीत सकता है। वैसे पाकिस्तानी टीम डिजर्व ही नहीं करता इंडिया से खेलने, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा टीम है और इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, इसलिए क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ लोग उसके इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंडिया इज़ इंडिया और मुझे पर्सनली इंडिया, मैं इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है इंडिया, मुझे इंडिया के लोग बहुत अच्छे लगते हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन आई लव इंडिया पर्सनली, आई सपोर्ट इंडिया। और मैं अभी रात को ड्यूटी करके भी मैं कल सुबह 100 बॉल बॉय बॉल मैच देखूंगा और हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। तो मैं भी अभी आगे जा रहा हूँ होटल पे खाना खाने के लिए और उस लड़के के साथ थोड़ी बातचीत करता हूँ, हो सकता है मैं वीडियो, अगर वो इजाज़त है तो मैं उसको वीडियो भी बनाऊँगा। अल्लाह करे, मैं इस वक्त मक्का में हूँ और अल्लाह करे बस इंडिया मैच जीत जाए, मज़ा आएगा, फिर मैं इसको खूब चढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत तंग करते हैं वो अफगानिस्तान जो मैच हार गया था वो 2 रन से, तो बार बार मुझे चढ़ाता है, बार बार वो मुझे याद कराता है, तो ताना देता है। तो अल्लाह करे कल इंडिया मैच जीत जाए, मज़ा आएगा और इंशाल्लाह इंडिया को जीतना होगा, क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ लोगों में एक बंदा मैं भी हूँ जो इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहा हूँ इस वक्त मक्का में बिल्कुल सामने हरम की तरफ जा रहा हूँ तो या अल्लाह कल हो सके इंडिया जीत जाए, इंडिया अपने दिल के करीब है, क्योंकि इंडिया अपने को बहुत पसंद है, इंडिया अपने दिल में है, दिल में पूरा हिंदुस्तान दिल में है, चाहे कुछ भी हो, बाकी पाकिस्तानियों को नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये अपने दिल की बात है, मुझे इंडिया पर्सनली बहुत पसंद है। क्या हाल चाल है? ठीक है क्यों? ये आईफोन है और ये मैं हूँ और मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपने लड़ाई करनी हो ना यार अपना भाई, ये अपना शरीफ बंदा भाई, लेकिन हाँ बात किधर है, बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो बात अभी आ रहा है, उसने कल इंडिया जीत गए पाकिस्तान, इंडिया जीतेगा, रोहित शर्मा, मैं इंडियन भी नहीं हूँ लेकिन मैं इंडियन टीम में इंडिया जीतना है, पाकिस्तान नहीं जीतना है, 2 रन के रोज रोज मुझे ताने देते हो, मजर मजर रोबाल शनवारी लाई दुनिया मर्च कोई नहीं डाले उसे बता दें, कढ़ाई में दे दे सिर्फ मक्खन साथ मिलाओ, एक दही और एक ठंडा पानी, ठीक है? ये बंदा मुझे रोज रोज 2 रन के ताना देता है, इधर आओ, कल इसकी पढ़ने वाली है, अल्लाह कर इंडिया कल जीत जाए, मजा आएगा यार। बाकी ये होटल है मतम ताज, देख ये जो पीछे जा रहा है ये बंदा है। सो खाने में मक्खन देखो और साथ में शिनवारी कढ़ाई आई हुई है और तकरीबन रात के 12 बजे हैं, साथ में मैंने एक दही मंगाई हुई है क्योंकि मैदे में गर्मी लगती है और 2 रोटी तंदूर वाली, इसकी कल पटने वाली है, ये बंदा है, इंशाल्लाह कल इंडिया जीत जाएगा और वो 2 रन वाला ताना खत्म हो जाएगी, वो 2 रन वाली तुम्हारी ताना खत्म हो जाएगी, अल्लाह करे वो शर्म से, इंशाल्लाह इंडिया विन, होप इंडिया विन, दुआ करो कल इंडिया जीत जाए ना, मैं तुमको देखूंगा, कल रोहित शर्मा मैच जीत जाए ना फिर मैं इसकी जो हालत करने वाला हूँ, पादे इसका नाम पादे, उसकी मैं जो हालत करने वाला हूँ, आप सब लोग देखेंगे। मैं बगाले पे चोए लिया, मैंने थोड़े से अंगूर और साथ में लूंगा थोड़े से खेनू, ए जी 1 किलो, ए 1 किलो ये दे दो बांधो, 1 किलो ये दे दो, ये असीर वाला है ना, बड़ा बड़ा नहीं डाला उस दिन तुमने, खराब डाला था।
जीतना चाहिए, पाकिस्तान जीतना चाहिए? पाकिस्तान। क्यों? मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूं और मैं इंडिया को प्यार करता हूं। देखो इंडिया इंशाल्लाह जीतेगा, इंडिया जीतेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सिराज, ए दो रेल का पानी दे दो, बात नहीं करो। बांग्लादेश, अच्छा एक तो बांग्लादेश मैच हार गया, मेरा दिमाग खराब है, तुम बात करा। हाँ अभी जीत गया, न्यूजीलैंड जीत गया, बांग्लादेश हार गया। दो दे दो यार, मार्केट कितना होता है? बंगाली छोटे छोटे बस है यार, कब तुम लोग क्रिकेट सीखेगा? नहीं नहीं नींद नींद में सोचे, वो नींद में सोया है वो, शेख हसीना फोन करेगा ना फिर जीतेगा, ऐसा नहीं जीतेगा। तमीम नहीं है उसमें, मेरा यार तमीम है, तमीम नहीं है। अभी कल मैच इंडिया पाकिस्तान, कौन जीतना चाहिए, कौन जीतना चाहिए? यार इंडिया जीतना चाहिए। क्यों इंडिया क्यों नहीं जीतना चाहिए यार? तुम कैसे बांग्लादेशी हो? इंडिया राजा मारो। हाँ अच्छा इंडिया तो अच्छा है यार, इंडिया तो अच्छा है क्योंकि बांग्लादेश को कितना सपोर्ट कर रहा है। अच्छा खेलता है, इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया जीतेगा माशाल्लाह। हाँ देखो अभी तक नहीं, तो मैं सामान नहीं लेगा, नहीं मैं सामान नहीं लेगा, इंडिया जीतेगा बोलो फिर मैं सामान। हाँ देखो लो बॉडी, इंडिया जीतेगा आज। कितना के बंदो इस कितने हो गए? साथ में ही अभी। ओ इतना महंगा क्यों हुआ? कितना? चलो सही 15। चलो इसको हम लोग 15 रियाल देते हैं। एक 20 का जैन दे दो, जैन कार्ड 20 का। ये लो सर, ये 20 जैन दो। शुक्र सुनते शेख। सो फाइनली यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने कुछ फ्रूट्स लिए, एक सेब लिए और कुछ अंगूर लिए क्योंकि मैदे में गर्मी हो रही थी। और ये जैन कार्ड इसलिए लिया है, कल इसको फ़ोन करना है, अगर इंडिया जीत जाए तो मज़ा आएगा यार। इंडिया को ज़रूर जीतना होगा, कल का मैच इंडिया को ज़रूर जीतना होगा किसी भी हाल में। ये तो ये थी आज की वीडियो। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, अभी इस मैंने पाकिस्तान में जो पूछा कि इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए, तो पता नहीं उसके अंदर क्यों वो मुसलमान और इस्लाम वाला कीड़ा अंदर जाग जाता है। डायरेक्टली बहुत करता है कि यार तू मुसलमान नहीं है, वो मुझे ये कह रहा है कि तुम मुसलमान नहीं है, हालांकि इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में, और पाकिस्तानी मुसलमानों से इंडिया वाले मुसलमान अच्छी फार बेटर लाइफ गुजार रहे हैं, इंडिया में सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। तो कह रहा है यार तू अफगानिस्तान का, इस वजह से पाकिस्तान में मुश्किल है। मैंने बोला यार मैं क्या बताऊँ, इंडिया ने हमेशा सबसे मुश्किल टाइम में जो अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया वो इंडिया ने दिया है, हमेशा इंडियन लोगों ने, इंडियन हुकूमत ने अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया, तो उसके बगैर भी इंडिया अपने दिल में है। और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि कल इंशाल्लाह इंडिया में जीत जाए, और मैं बोल भाई बोल देखूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो मैं मैच से पहले अपलोड कर दूँ। जो अभी मैंने सवाल पूछे लोगों से, उनको तंग किया होटल में और वो बंगाले में सुपरमार्केट में, अच्छा ऊपर से सोने पे सुहागा, वो बंगाली भी इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैंने उनको धमकी दी कि मैं सामान नहीं लेके जाऊँगा अगर तुमने ऐसा नहीं बोला। वो जो सुपरमार्केट है वो उसके था, उस लड़के का था जिससे मैंने पूछा कि यार मैं सामान नहीं लूँगा अगर तुमने ऐसे नहीं बताया, तो वो भी हंसने लगा कि अरे बंदा तो सीरियस हो रहा है, और मैं सीरियस था, अगर वो दोबारा कहता तो मैं वापस ये सब सामान छोड़ के मैं निकल लेता हूँ उधर से। चलो खैर हुआ, तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी नई सी वीडियो में, बाय।